सभी मोबाइल कंपनियां बंद करने जा रही है अपने यूजर्स का सिम कार्ड। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका सिम कार्ड भी बंद होने वाला है तो आप उससे कैसे बचेंगे, और पूरा डिटेल इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो टेक्निकल दीपक यूट्यूब चैनल, और आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अपडेट देने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब आइकन पर क्लिक करके और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री है और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ कि मेरे पास दो एयरटेल की सिम है। दोनों एयरटेल की सिम पर हमें मैसेज आया है कि आपकी आउटगोइंग कॉल की वैलिडिटी समाप्त हो गई है, मतलब कि आपका जो भी बैलेंस था उस वो एक्सपायर हो गया है। वो कैसे हुआ एक्सपायर और उससे मुझे क्या नुकसान होगा, चलिए पहले अपना कैमरा ओपन करते हैं और उस मोबाइल को दिखा देते हैं। तो ये है हमारा मोबाइल, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैसेज को ओपन करते हैं। मैसेज को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ, आपको अभी बता देते हैं, हमारे पास ये मैसेज आया, आप पढ़ सकते हैं। प्रिय ग्राहक, आपको एयरटेल नंबर पर आउट गोइंग कॉल की सुविधा 23 नवंबर 2018 से बंद की जाएगी। जल्द ही नज़दीकी रिटेलर से संपर्क करें और डायल करें 121*51#, रिचार्ज करने के लिए धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं। तो ऐसा मैसेज क्यों आ रहा है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मोबाइल कंपनियाँ ने 10 रुपये, 10 रुपये नहीं, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये का जो भी टॉप टाइम था 100 रुपये, ये पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आउट गोइंग कॉल क्या होती है। आउट गोइंग कॉल यानी कि आपके मोबाइल से की गई कॉल, और इनकमिंग कॉल यानी कि आपके मोबाइल में जो बाहर से कॉल रिसीव होती है, जो कोई भी पर्सन आपके मोबाइल पर कॉल करता है उसे इनकमिंग कॉल कहते हैं, और आप जिसे फ़ोन करते हैं वो आपके मोबाइल से होता है तो उसे आउट गोइंग कॉल कहते हैं। तो ये मोबाइल कंपनियां अब इनकमिंग और आउट गोइंग कॉल का भी रिचार्ज करवाएगी, मतलब कि अगर आपने रिचार्ज करवाया है, जनरली होता क्या है कि हम अपने मोबाइल में दो सिम कार्ड यूज करते हैं, दोनों सिम कार्ड में से किसी एक सिम कार्ड में हम एक अनलिमिटेड पैक रखते हैं, मतलब कॉलिंग के लिए यूज करते हैं, और एक को थोड़ा कम यूज करते हैं। तो जिसे कम यूज करते हैं उससे नुकसान हो रहा है, मतलब उस ऑपरेटर को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपको वो सुविधा फ्री दे रहा है, आप उससे कॉल नहीं कर रहे हो लेकिन इनकमिंग कॉल उसके ऊपर आ रही है। तो इसी के लिए यहाँ पर ट्राई ने एक नियम निकाल दिया है कि आपको उस सिम में इनकमिंग कॉल के लिए भी रिचार्ज करवाना होगा, और आउटगोइंग कॉल के लिए तो करवाना ही होता है। अगर आउटगोइंग कॉल का बैलेंस नहीं है तो आप किसी को कॉल नहीं कर पाओगे, लेकिन इनकमिंग कॉल तो आती रहती है। अगर बाहर से कोई कॉल करे वो फ्री होता है, लेकिन अब आपको यहाँ पर रिचार्ज करवाना होगा। 35 रुपये का रिचार्ज होता है जिसमें 26 रुपये का बैलेंस आएगा, और इनकमिंग आउट गोइंग कॉल फ्री होगी 28 दिन के लिए। तो घुमा फिरा के मोबाइल कंपनी हमें लूट रही है, मतलब अगर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उस सिम कार्ड की, मतलब हम सिर्फ इनकमिंग कॉल के लिए यूज करते हैं, तो वो भी अब फ्री नहीं रहा, अब हमें उसके लिए भी रिचार्ज करवाना होगा। तो मैंने आपको बताया कि मैसेज आया है, मेरे दोनों नंबर पे मैसेज आया है एयरटेल का। फिलहाल एयरटेल पे ही ये मैसेज आ रहा है क्योंकि आइडिया इसी मोबाइल में है, और आइडिया पे अभी 0 बैलेंस है लेकिन उस पर कोई नहीं आया है। और अगर आप पोर्ट कराने का सोच रहे हैं किसी अदर कंपनी में, तो भी उसी कंपनी में भी सेम ये रूल्स फॉलो होंगे, जो कि इनकमिंग कॉल रिचार्ज एंड आउट गोइंग कॉल फैसिलिटी वाला। तो आप देख लेना एक बार आपको क्या लगता है, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सुविधा, मतलब ये जो चेंजेस किए गए हैं इनकमिंग कॉल आउट गोइंग कॉल की वैलिडिटी को एक्सपायर करने का, तो ये क्या अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।